इस मॉड्यूल में हम क्लाउड एप्लीकेशन स्केलेबिलिटी को जिक्र करेंगे पहले हम देख चुके हुए हैं कि स्केलेबिलिटी का जो फीचर है वो डिज़ाइन फेज में इंक्लूड किया जाता है लेकिन साथ ही साथ कॉस्ट भी मद्देनज़र रखी जाती है परफॉर्मेंस भी मद्देनज़र रखी जाती है तो जो रिस्पॉन्स टाइम है वो भी मद्देनज़र रखा जाता है तो इन सब में जो है एक बैलेंस होना चाहिए है ताकि ओवरऑल जो परफॉर्मेंस भी मेंटेन रहे और कॉस्ट भी जो है वो हद से ज़्यादा ना बढ़े तो जो स्केलेबिलिटी है वो फिर एक सेंट्रल हैसियत इख्तियार कर लेता है परफॉर्मेंस और कॉस्ट में सो so हम जो है इस मॉड्यूल में इस इस सिलसिले में जो है वो डिस्कस करेंगे उसमें हम पहले देखेंगे लोड बैलेंसिंग प्रोसेस क्या होता है और फिर हम एप्लीकेशन डिजाइन से रिलेटेड जो कंसिड्रेशन है स्केलेबिलिटी की वो देखेंगे लोड बैलेंसिंग प्रोसेस क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन शुड बी एबल टू स्केल अप और डाउन अकॉर्डिंग टू डिमांड ये जो स्केल अप एंड डाउन है इसमें जो है इसे मुराद हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केलिंग भी है वैसे जो वर्ड यूज किए जाते हैं हॉरिजॉन्टल के लिए वो स्केल आउट एंड स्केल इन है और वर्टिकल के लिए स्केल अप एंड स्केल डाउन है यहां पे मेरी मुराद है कि दोनों तरह की स्केलिंग के जो कंसिड्रेशन है वो उसके बारे में सोचना चाहिए है क्लाउड जो सोलूशन डिजाइन या क्लाउड एप्लीकेशन डिजाइन करते हुए और वो इम्प्लीमेंट भी करने चाहिए फीचर रिमेंबर द स्केलिंग आउट एंड स्केलिंग अप मींस एक्वायरिंग न्यू रिसोर्स एंड अपग्रेडिंग रिसोर्सेज रिस्पेक्टिवली यानी ये हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की और वर्टिकल स्केलिंग की बात हो रही है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हैं और स्केलिंग डाउन या स्केलिंग इन जो है वो इन इन चीज़ों का वो अपोजिट है यानी जो जस्ट जस्ट एज अ रिमाइंडर के हॉरिजोंटल और वर्टिकल स्केलिंग लैदा से भी और इनका जो कम्बिनेशन है यानी हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल मिक्स जो स्केलिंग है उसकी जो कंसिडरेशन है वो भी एप्लीकेशन में डेवलपर्स को ट्राई करनी चाहिए और उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए देर शुड बी अ लोड बैलेंसर मॉड्यूल स्पेशली इन केस ऑफ हॉरिजोंटल स्केलिंग हॉरिजोंटल स्केलिंग में क्या होता है आपको याद होगा कि जो सेम इन जो रिसोर्सेज होते हैं हैं उनके ज्यादा जो है ज्यादा से ज्यादा, 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 ज्यादा बढ़ते जाती है सेम टाइप ऑफ रिसोर्सेज की तादाद फॉर द एप्लीकेशन फॉर एग्जाम्पल वर्चुअल मशीन एक वर्चुअल मशीन पे एप्लीकेशन डिप्लॉय हुई है जब हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होगी हो, हो सकता है दो दो से चार हो जाए चार से पांच हो जाए सो so, जब ये इंस्टेंसेस ज्यादा हो जाएंगे रिसोर्सेज के तो इनके हर एक रिसोर्स के ऊपर कितना जो है लोड डालना है प्रोसेसिंग का उसके लिए फिर एक लोड बैलेंसर जो है एक मॉड्यूल जो है वो जरूर होना चाहिए ये हम जब हमने क्लाउड के जो आर्किटेक्चर डिस्कस किए थे उस वक्त हमने लोड बैलेंसर जो है उसका जिक्र किया था ये हम उसी लोड बैलेंसर को जो है हम यहाँ पर डिस्कस हैं कि जब आप हॉरिजॉन्टल स्केलिंग परफॉर्म करेंगे लोड बैलेंसर जो है वो आपके पास होना चाहिए लोड बैलेंसिंग और लोड एलोकेटिंग इन दिस रिगार्ड इज परफॉर्म बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क लोड अफकोर्स वर्क लोड ही डिस्ट्रीब्यूट होना है अगर फॉर एग्जाम्पल हम वर्चुअल मशीन की एग्जाम्पल ले रहे हैं जो क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट आई है प्रोसेसिंग के लिए अगर एक वर्चुअल मशीन जो है उसको हैंडल नहीं कर पा रही है और इतने जो परफॉर्मेंस और जो रिस्पॉन्स टाइम है वो उसमें फर्क आ रहा है तो दो वर्चुअल मशीन में शिफ्ट हो सकते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में लेकिन अब दूसरी वर्चुअल मशीन को कितना लोड मिलेगा ये और पहली वर्चल मशीन को कितना लोड मिलेगा ये डिसाइड करना एक लोड बैलेंसिंग मॉड्यूल का जो है काम है और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत पड़ती है अब जो वर्कलोड एलोकेट करना है वो किस तरह से किया जा सकता है उसकी कुछ एग्जांपल जो है हमें बुक में मिलती हैं उसमें राउंड ड्रॉपिन है यानी एक के बाद दूसरा दूसरे के बाद तीसरा चौथा ऐसे एक सर्कुलर फैशन में जो एलोकेट किया जा सकता है रेंडमली एलोकेट किया जा सकता है या किसी स्पेशलाइज क्राइटेरिया और मल्टीपल पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए बेस्ट जो एलोकेशन स्ट्रेटजी है वो निकाली जा सकती है हम आने वाले कुछ मॉड्यूल्स में बहुत तफसल से जो है ये डिफरेंट जो शेड्यूलिंग एलगोदम्स या पॉसिबिलिटीज ऑफ शेड्यूलिंग है वो हम डिस्कस करेंगे फिलहाल यहाँ कहने का मकसद ये है कि अगर आप हॉरिजॉन्टल शेड्यूलिंग की तरफ जा रहे हैं तो फिर एक लोड बैलेंसर मॉड्यूल जो है वो भी डेवलप करवाना चाहिए क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन शुड नाइदर बी हैविंग नो स्केलिंग नॉर द अनलिमिटेड स्केलिंग ये अब हम एप्लीकेशन डिज़ाइन के जो टॉपिक है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं कि क्लाउड जो सोल्यूशन है उसमें यह भी नहीं होना चाहिए कि सिरे से कोई स्केलिंग हो ही ना और ये भी नहीं होना चाहिए कि अनलिमिटेड स्केलिंग हो जाए अगर स्केलिंग है ही नहीं कोई और लोड ज़्यादा हो गया तो परफॉर्मेंस जो, जो है वो ऑफकोर्स रिस्पॉन्स टाइम जो है वो ज़्यादा हो जाएगा और परफॉर्मेंस जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो बुरा होगा और फिर जो नेगेटिव जो है इसका इफेक्ट पड़ेगा और अगर अनलिमिटेड स्केलिंग है तो वो एक तरह से बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा कि एक अनलिमिटेड जो है रिसोर्सेज है वो एक्पाई करती जाएगी एप्लीकेशन जो स्केलिंग का फीचर है वो कोई ना कोई बैलेंस कंसिडरेशन होनी चाहिए यानी इन दोनों के दरम्यान में दो एक्सट्रीम यानी नो स्केलिंग एंड अनलिमिटेड स्केलिंग के दरमियान में कहीं पे इसको एडजस्ट करना चाहिए और ये एडजस्टमेंट पहली एडजस्टमेंट कोई ये कोई फाइनल एडजस्टमेंट नहीं है या आखिरी एडजस्टमेंट नहीं होती है इसको ट्यून अप जो है वो करने की जरूरत पड़ती रहती है और फिर इवेंचुअली जो एप्लीकेशन है वो इस तरह बैलेंस हो जाता है क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन के उसमें जो स्केलिंग है वो उसकी परफॉर्मेंस भी वो शोर करता है और जो है कॉस्ट भी जो है उस पर भी वो इतना ज्यादा असर नहीं डालता है सो बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्केलिंग ऑप्शन शुड बी एक्सप्लोर्ड आइदर इंडिविजुअली और इन कम्बिनेशन सो आखिरी जो रिकमेंडेशन है इस सिलसिले में वो यही है कि जब आप स्केलिंग uh, की जब सोचें इम्प्लीमेंट करने का तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल और इनके कम्बिनेशन को भी जो है वो इम्प्लीमेंट करें जब ट्यून अप कर रहे हैं स्केलिंग के डिफरेंट पैटर्न चेंज कर रहे हैं तो इन कम्बिनेशन को भी ट्राई किया जा सकता है